मोहतरम वालदैन, आज मैं फैब्रिक पेंटिंग कर रही हूँ। इस वीडियो की मदद से आप भी अपने बच्चों को फैब्रिक पेंटिंग सिखा सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसानी से। मैं आज फैब्रिक पेंटिंग ब्रशेस के बजाय स्पंज से करूँगी। तो आइए देखते हैं हमें किन चीज़ों की जरूरत है। कुछ एक्रेलिक पेंट, स्पंजेस के कुछ छोटे छोटे पीसेस, एक वाइट टी शर्ट, मास्किंग टेप, पेपर डोयली, अ पेयर ऑफ सीजर्स और एक वर्किंग मैट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो डिज़ाइन मैं आज बना रही हूँ उसके लिए सबसे पहले टी शर्ट को खोलकर वर्किंग मैट पे बिछाइए। फिर टी शर्ट की फोल्ड्स के अंदर कुछ न्यूज़पेपर इंसर्ट कर दीजिए ताकि फैब्रिक पेंट शर्ट की पिछली साइड पे ना लग जाए। इसके बाद मास्किंग टेप से शर्ट पे स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर के सेंटर में टेप से एक पेपर डोयली पेस्ट कर दीजिए। स्क्वायर के अंदर डोयली के अराउंड अपनी मर्जी से डिफरेंट स्टाइल में मास्किंग टेप के पीसेस पेस्ट कर दीजिए। लीजिए तो हमारा टेम्पलेट रेडी है। सबसे पहले हम पेपर डोयली पे पेंट करेंगे। मैं रेड कलर कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी है कि पेंट डोयली से बाहर ना निकले। पेंट हो चुका है। अब मैं इसके अराउंड हर खाने में डिफरेंट कलर करूंगी। मैं मल्टी कलर यूज कर रही हूँ और आपकी मर्जी कि आप सिंगल कलर यूज करें या मल्टी कलर यूज करें। ख्याल ये रखना है कि पेंट मास्किंग टेप स्क्वायर से बाहर ना निकले। ड्राई होने रख रहे हैं। थ्री आवर पूरे हो चुके हैं। अब हम सारे टेप और डोइल को रिमूव कर देंगे। जनाब, हमारी शर्ट तैयार है। अब मैं ये शर्ट पहनकर अपने बाबा को दिखाऊंगी क्योंकि मुझे पता है वो बहुत खुश होंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो।